चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर रेलवे में जो पार्किंग स्थल बना हुआ है वहाँ पर एक कारिंदों को कुछ हमलावरों ने मार पिटाई की। हमलावर रात के समय पर यहाँ पर पहुँचे और इस कारिंदे के साथ मार पिटाई की। हालांकि यह सारी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज के आधार पर अब इन हमलावरों को तलाश की जा रही है। हमलावर इस कारिंदे को पीटकर यहाँ पर रफूचक्कर हो गए थे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग कारिंदों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शुक्रवार रात करीब 12 बजे यह घटना घटी, जब ऑटो में कुछ शरारती तत्वों के हाथों में रोड और चाकू लेकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां उनके पार्किंग कारिंदे के साथ बहस होती है और उसके बाद वह पार्किंग कारिंदे को मारना शुरू कर देते हैं। इस घटना में उन्होंने पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। पार्किंग कारिंदों ने बताया कि घटना करीब रात के 12 बजे के करीब हुई। यह शरारती तत्व रोड और चाकू लेकर पहुंचे थे। वह कहने लगे कि वह लड़का कहाँ है जो दिन में बहस कर रहा था, उन्होंने शराब पी रखी थी और वह मारपीट पर उतर आए। उन्होंने अपनी तरफ से कई बार समझाने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं माने, कैमरा तोड़ दिया। हालांकि यह घटना वहां लगे कैमरे में भी कैद हो गई, जिसको लेकर जीआरपी पुलिस के पास गए। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उन्हें कह दिया कि मेडिकल करवा कराओ। यहीं सर पर्ची मांगा गया, मांगने के बाद वो झगड़ा करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा, चाकू ताकू लिए हुए था हाथ में सर, और हम लोग अपना बेबस हो गए सर। और क्या करते सर, कभी नेताजी का नाम ले रहा था कि ऐसे नेता हमारे फेवर में है, बंद करवा देंगे, फलना करेंगे। 12 बजे के लगभग ये काम हो रहा था सर। उसके बाद तो सर हम लोग फिर अपना मिलजुल के फिर ये सर 100 नंबर को कॉल किया गया। 100 नंबर वाले ने जवाब दिया कि मैं जीआरपी को भेज रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ नहीं आए गए। उसके बाद हम लोग भाग यहाँ से काउंटर छोड़ के बने हम लोग ने भाग गए सर, और भाग गए फिर जीआरपी थाना गए, उनके सहारा लिए, फिर जीआरपी वाले आए तब उन लोग भाग गए। सीधे कोई नेताजी का नाम लेता कि नेताजी की मेरे हाथ है, मैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं पार्किंग बंद करा दूंगा। उनसे सिर्फ पर्ची मांगा गया सर, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। हम लोग तू तरह करके बात नहीं करते हैं, आप तुम करके बात करते हैं सर, आप सबसे आप करके बात करते हैं, सर करके बात करते हैं, उन लोग काम करने में उन लोग ढंग से नहीं देते हैं सर। मतलब 5-6 आदमी आए थे, दिन में आए थे तो लड़के टोकन मांगा तो टोकन बोले कि मतलब दिन में झगड़ा किए लेकिन हमने निपटारा कर दिए, चले गए। फिर रात में 5-6 लड़के वो ऑटो भर के आए दारू पी के, और लड़के खोजने लगे वो लड़के कहाँ हैं, वो गंजे कहाँ हैं, उनको ढूंढने लगे। तो हमने तुम जाओ कल आना, मैं कल बात करूँगा। लेकिन उतने पर उड़ उठा के और कुछ लड़के गाली देने लगे, कैमरे तोड़ दिए, लड़के के मारने पीटने लगे। फिर मैं जीआरपी भागे सर, फिर जीआरपी वाला भी आए तो जब तक उसमें भाग गए यहाँ से। रिपोर्ट लिखवाएं तो मतलब जीआरपी वाले बोले हैं कि मैं अपना पहले लड़के के मेडिकल करवा लीजिए तो मैं रिपोर्ट लिखूंगा। हाँ वो धमकी भी देके गए हैं सर कि मतलब रात में मैं बूथ तोड़ दूंगा, मैं अभी तो अभी कैमरे तोड़ रहा हूँ, बूथ तोड़ दूंगा, लड़के के चाकू मार दूंगा, पूरे धमकी देके गए हैं सर। मैं उन पर कार्रवाई करना, मुझे स्वेच्छा करिए सर, हम तो उन पर कार्रवाई करना चाहता हूँ सर, प्रशासन मुझे साथ दें।